इधर केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए नया कानून बनाया गया, जिसके विरोध में सर्व चालक कल्याण संघ ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरण वरवड़े को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सत्र में ड्राइवरों के लिए जो नया कानून बनाया है, जिसमें दुर्घटना होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा व 5 लाख का जुर्माना रहेगा, ये कानून अनुचित है और भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों के गले में फांसी का फंदा पहुंचाने के समान है। भारत के संपूर्ण ड्राइवर इस कानून के खिलाफ आक्रोशित है। वहीं संघ ने पूर्व में अपनी 29 सूत्रीय मांग रखी थी, सरकार ने उन मांगों को नजरअंदाज कर हम पर एक और नया कानून थोपा। वहीं सरकार के कानून का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि यदि वह यह कानून वापस नहीं लिया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। ड्राइवर को 10 साल के होने वाली सजा और 5 लाख रुपए दंड के संबंध में माननीय महोदय निवेदन है कि आपकी सरकार के द्वारा लोकसभा सत्र में नया कानून 2023 लाया गया है, जिसमें भारतीय ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाने पर यदि ड्राइवर अस्पताल पहुंचाने तो सजा कम हो। नाम बोलो तुम्हारा। मेरा नाम मेहरबान सूर्यवंशी जी, आल ड्राइवर कल्याण संघ का मैं सदस्य हूँ। केंद्र सरकार ने जो हमारे ड्राइवर के लिए जो कानून बनाया है, जो कानून बनाया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, ये जो कानून बनाया है इसके लिए हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उससे जो सारे ड्राइवर लोग हम आज इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने का कारण ये है कि हमें कोई किसी को मारने का, किसी को गाड़ी चढ़ाने का कोई नहीं है, कोई जान करके कुछ भी नहीं करता है। आपत्ति देने के किसी कारण अगर हो जाता है तो उसके लिए भी हम जो सरकार ने जो गाइडलाइन करी थी, जो लाइसेंस बनाया हमारे लिए, उसका कोई महत्व नहीं दिया। लाइसेंस का क्या मतलब है? लाइसेंस बनाया 10,000-15,000 हम जमा करते हैं, उसका क्या कारण है? तो जो 10 लाख रुपये अगर ड्राइवर, अगर 10 लाख रुपये हैं जिसके पास, तो वो ड्राइवर नहीं रहेगा भैया, ड्राइवर नहीं रहेगा वो। अब उसको खुद का धंधा खोल सकता है वो। तो हमारे को जो है ये जो काला कानून जो वापस लेने के, उसमें समर्थन में हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। ड्राइवर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो एक चींटी को भी बचा के चलाता है, बाकी ड्राइवर कभी नहीं चाहेगा कभी उसके हाथ से एक्सीडेंट हो। और अगर ड्राइवर ने ऐसा करा, ये सरकार ने कानून बनाया 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना, अगर ये ड्राइवर के पास होएगा तो ड्राइवर गाड़ी चला के क्या करेगा? अपने घर नहीं रहेगा, ये काले कानून के क्या करेगा? बाल बच्चे छोड़ के गाड़ी घोड़ों पे जाएगा? कानून का समर्थन हम भी करते हैं, चलो ठीक है, अगर सरकार ने गाइडलाइन बनाए तो समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन ड्राइवर की जो प्रोटेक्शन के लिए क्या करा हमने? काला कानून वापिस लेके हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे सरकार ने गाइडलाइन